अस्सलामुअलैकुम, एक नई वीडियो के साथ आपको हमारे चैनल में वेलकम है। आज 13वां रोज़ है और आज का दिन ज़रा धूप वाला है और ये देखें बाहर गाड़ी खड़ी है, धूप निकली हुई है और मैं थोड़ा काम करवा रहा हूँ ये प्लम्बिंग वगैरह का। इधर मोटर फिट करवाने थे क्योंकि बाजी में शिफ्ट हो रहे हैं कराची, तो उसके लिए मैंने फिर मोटर और टैंकी अपनी ले आए हूँ इधर पानी भरने के लिए। ऊपर तो टैंकी लगी हुई है, नीचे टैंकी नहीं थी इसलिए नीचे टैंकी लगवाई है। अभी ये शोएब भाई काम कर रहे हैं और हम चलते हैं अंदर, बेगम साहब से मुलाकात करते हैं। ये देखा जी, क्या तैयारी हो रही है जी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या उम्मीद करते हैं कि आप कैरियर से होंगे और आज का रोज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा। तो नमीरा भी आज घर आ गई है, जैसा कि आपको बताया था कि वो जब आएगी तो तब भी हम कुछ ना कुछ नया जो बनाते हैं। तो आज नमीरा की फरमाइश है कि बनाया जाए पराठा रोल, तो उसके लिए मैं चिकन पराठा रोल ये मैं बना रही हूँ। आटे की डो गूंदने लगी, ये तकरीबन 1 kg तक मैदा मैंने लिया है, इसमें 1 चम्मच खाने का चम्मच नमक और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो है वो इसमें चीनी डाली है और 4 से 5 खाने का चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला है। और ये देखें, इन्हीं को मैं अभी मिक्स कर रही थी और ये देखें, ये इस तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अभी मैं इसकी डो गूंद लेती हूँ, जैसे आम नॉर्मल आटे की हम डो गूंदते हैं उसी तरह से गूंदेंगे और इसको सेटल होने के लिए रख देंगे। कम अज़ कम पराठा बनाने से पहले हमें इसको आधा घंटा पहले गूंद के सेटल होने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही, तकरीबन अभी 3-3:30 बजे का टाइम हुआ होगा तो गूंद रही हूँ, तो तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले। लेकिन यह है कि इसलिए मैं पहले गूंद रही हूँ, उसके अलावा हमने एक और भी काम करने हैं। ये दिखाई शादी आप, ये चिकन की स्ट्रिप्स मैंने काट के रख दी हैं, इनको मैरिनेशन करना है इसलिए हम ज़रा जल्दी काम स्टार्ट कर दिया। चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और हम आलू के फ्राइज जिंगर की तरह के बना के वो भी इसमें ऐड करेंगे। एक नई रेसिपी जो है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे, तो ज़रूर हमारी रेसिपी को फॉलो करिएगा। मैं आटे की डो गूंद दूँ, फिर आपको चिकन की मैरिनेशन और आलूओं की मैरिनेशन जो है वो भी दिखाते हैं। जब फिर वो काम स्टार्ट होगा फिर वो बेगम साहबा हर साथ आपको दिखा दी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लम्बिंग का काम हो रहा है तो इसलिए मैं उधर ज़रा बिजी हूँ, वो बेगम साहबा खुद ही आपको दिखाएंगी। और इधर हमारी कुड़ियाँ नमीरा साहबा वापस आ चुकी हैं। नमीरा हाय कर दो। अस्सलाम वालेकुम। और ये देख रही है जी कार्टून वगैरह नेटफ्लिक्स पे जी। तो व्यूअर्स, ये जैसा कि आपको दिखाया है कि एक चेस्ट पीस है हमारे पास, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच विनीगर, 1 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच ही चिली सॉस और साथ में ये स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 1/2 चम्मच जो है वो नमक है इसमें, 1/2 चम्मच ही इसमें सुरख मिर्च है, थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी, बारबेक्यू मसाला जो है वो भी मैंने 1/2 चम्मच इसमें ऐड किया है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1/4 खाने का चम्मच जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी जो काली मिर्च पिसी हुई। तो अभी मैं इन सारी स्पाइसेस को इस बाउल में शिफ्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, और इनमें मैं ऐड करूँगी ये जो आपको सॉसेस बताए हैं, ये देखें जी, ये सॉसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अभी मैं इनको मिक्स करूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें जी कितना अच्छा सा ये हमारा मटेरियल जो है वो रेडी हो गया। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ और मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, अभी ये हमारी मैरिनेशन लग गई है और इसको जब तक हम कुक करेंगे, आपको बताया तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया, तो 1.5 घंटा तकरीबन इसको हम रखेंगे और फिर जैसे इफ्तारी का टाइम होगा तो उस वक्त हम फ्रेश जो है वो जिंगर के पीसेस फ्राई करेंगे और पराठा बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे साथ साथ। ये देखें जी व्यूअर्स, ये आलू के फ्राइज मैंने काट लिए, जैसे कि आपको बताया था कि मैं पराठे में फ्राइज बना के जो है वो भी डालूंगी और साथ ये मैंने पानी भी बॉयल करने के लिए जो है वो रख दिया है। पानी में मैंने जो है तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक शामिल किया ताकि उससे ये होगा कि नमक आलूओं के अंदर चला जाएगा तो उनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये आ गई है जी पिज्जा ने लिपस्टिक लगाई है। ये क्या बात हुई, लिपस्टिक क्यों लगाई है? बच्चे तो नहीं लिपस्टिक लगाते हैं, थोड़ी पीछे होकर खड़ी है ना। चलो पीछे होकर दिखाओ, थोड़ी दूर खड़ी हो मैं दिखाऊं। ये देखें जी माशाल्लाह से फिजा ने लिपस्टिक लगाई है, प्यारी लग रही है। ये अभी सपारा पढ़ के आई है, फिजा भी सपारा पढ़ के आई है। फिजा आपने क्या पढ़ा है आज सपारे में? क्या
अलिफ बा बॉयल होना शुरू हो गया। अभी मैं इसमें फ्राइज़ ऐड करूँगी और तकरीबन एक डेढ़ मिनट के लिए इसको बॉयल करूँगी और फिर निकाल के निथार के तो आपको चेक करवाती हूँ। ये मैंने फ्राइज़ इसमें डाल दिए हैं, अब इनको दो मिनट के लिए बॉयल आएगा तो मैं इनको निथार लूँगी और फिर खुश करने के लिए पंखे के नीचे रखूँगी। ये तो व्यूअर्स ये मैदा मैंने ले लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी फ्राइड चिकन जैसे वो बनता है ना उस तरह से हम इसको बनाएंगे, साथ में हम क्रिस्पी फ्राइड स्ट्रिप्स बनाएंगे ताकि ये हम अपने जो रोल्स हैं उनमें ऐड कर सकें। स्ट्रिप्स में काटा हुआ है हमने गोश्त जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये साथ ही हमने स्ट्रिप्स में टमाटर भी काट लिए हैं, शिमला मिर्च और प्याज भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम नहीं खाते। शिमला मिर्च जो है वो खाते हुए मेरी कुड़ियाँ बाहर निकाल देती हैं, वो नहीं खाती, बच्चे हमारे नहीं खाते। और प्याज हमें भी नहीं पसंद, प्याज हम खाते नहीं है, कच्चा प्याज नहीं खाते, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया, दोनों चीज़ें स्किप हो गई। और हमने सिर्फ टमाटर और वो रखा है क्या कहते हैं बंद गोभी, वो भी स्ट्रिप्स में कटी हुई। आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन हमने सिंपल ही रखा है। साथ में जो है ये मैंने आलू बॉयल किए थे मैंने आपको दिखाया था, और ये मैंने पंखे के नीचे रख के इनको ठंडा कर लिया। अभी इनको ये डाल दिया फ्राई पे फ्राइंग के लिए, ये कर रहे हैं फ्राइंग शाह जी एज यूजुअल, और चिप्स फ्राई करेंगे और ये फिर बनाएंगे ये जो हमने स्ट्रिप्स चिकन की करनी है फ्राई वो करेंगे। इसके बाद स्ट्रिप्स फ्राई करूंगा, फिर आगे जो शिमलिंग वगैरह होगी वो भी शाह जी करेंगे, फिर इसके लिए जो हम सॉस बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, वो मायोनीज की और हम जो चिली गार्लिक वाला पेस्ट है ना टमाटो केचप का वो उसमें ऐड करके तो करेंगे। बच्चों वाले में से स्किप कर मस्टर्ड सॉस मिक्स कर लेंगे, बच्चों वाले में से स्किप कर देंगे तो बड़ों वालों का वो डालेंगे। और ये यहाँ पे मैं पराठास बनाने के लिए ये मैंने पेड़े फिलहाल एक एक स्टेप इनको किया है, अभी मैं इनको जिस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं ना उस तरह से इनको दोबारा से फिर पेड़ा बनाऊँगी, पेड़े बना लूँ ताकि वो सेटल हो जाएं, तो साथ दूसरे चूल्हे पे मैं फिर पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो मैं इनके पेड़े बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। डेटो व्यूअर्स, इधर हमारे फ्राइज तैयार हो रहे हैं और इधर बेगम साहब ने पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं लच्छे के। रोटी को मैंने बेल लिया इस तरह से, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगी जी, फिर इसको ऐसे घुमाएंगी, बल देंगे कम कड़ियां देंगी। ये देखें इस तरह से पे ऑयल मैंने डाल दिया, अभी मैं इसमें मैदा जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी या छिड़काव करूंगी उसका, जो क्रिस्प बनता है ना पराठे का वो इससे बनता है जब आप रोल करते हैं, और इसको अब मैं रोल कर लूंगी। ये देखिए ये रोल हो गया, अब इसको थोड़ा लंबा करेंगी दबा के, अब इसको हम लंबा करेंगे फिर इसको घुमा के गुलाटी दे देंगे। ये माशाल्लाह से हमारा जो है वो पेड़ा रेडी हो गया और इससे बड़े ज़बरदस्त जो है वो लच्छे बनते हैं। इसी तरह से मैं बाकी जितने भी पेड़े हैं उनको भी बना लूँगी और इनको सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। चलो जी मेरे तो अभी चिप्स फ्राई हो रहे हैं जी। जी तो भैया इधर हमारे चिप्स फ्राई हो गए, आधे फ्राई हुए हैं, आधे हमारे इधर पड़े हुए हैं, ये टमाटर वगैरह सारा पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा अफ्तारी का टाइम करीब आने वाला है इसलिए पहले चिकन फ्राई कर लो, जो तो पहले आपको चिकन दिखाते हैं आपके चिकन कैसे फ्राई करेंगे। चिकन को पहले इसके ये जो मैदा है ना इसके अंदर डुबकी लगवाएंगे, जैसे टेम्पूरा स्ट्रिप बनी होती है ना चिकन टेम्पूरा, आपने के एंड एन का खाया होगा उस तरह ये बनेगी। ये सारे जो चिकन है इसको उठा के इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे इनका, हाँ हाँ इनके हम मसाज करेंगे। वो कहने रहे जी ये मालिश करीदा है, इनकी मालिश करनी है ऐसे, इनकी खिदमत करनी है, खिदमत थोड़ी करके थक गए हैं ना बेचारे, मैरिनेट हो के तो इस वजह से खिदमत, हाँ इतनी देर से मैरिनेशन हुई हुई है ना इनकी, अभी ये चिकन थक गया है, इसकी हम मसाज कर रहे हैं, इनको तो ऐसे ऐसे करके ना मलेंगे प्यार से थोड़ा दबा के, उनको मल के आसान तरीका झाड़ना है पकड़ के ऐसे झाड़ना है इनको, होश थोड़ा दला के और ऑयल में ये देखो एवें एवें सारिया स्टेपा असी ऑयल पा देंगे, ये देखो ऐसे करके ना, ये देखो बेगम साहब आप जरा कैमरा पकड़ना जरा,
बेगम आधो नहीं गई हैं, आधो के पीछे लगेंगे मेरे, ये देखो ऐसे डालेंगे। मैं बेगम को कैमरा पकड़ाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए जी खिदमत करके, ये देखिए ये लच्छे बन गए ना, ये देखिए ऐसे 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 करके ना, इनको ऐसे करके ये देखो क्रम्स बने, तो ऐसे करके चुपिया लगवाते हैं। ये सारे आप जितने डाल सकेंगे मैक्सिमम वो इसमें डालते हैं और ये फ्राई करते हैं। और साथ ये देखें जी मेरे पराठों के पेड़े भी रेडी हो गए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्राइड चिकन होता है उसका टाइम 9 मिनट होता है, अब इसको 9 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके लिए तो आँच हल्की कर देंगे फिर। जिसके लिए 5 मिनट तक, आँच हल्की है ना, देखें नीचे आग, देखें नीचे बिल्कुल हल्की थी आग है। 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसको उलटाएंगे, 5 मिनट इसको लाना नहीं, इसके क्रम टूट जाएंगे। 5 मिनट बाद लाएंगे और फिर 4 मिनट तक और फ्राई करेंगे, टोटल 9 मिनट। ये जितनी देर में होता है मैं साथ अपना सेटअप भी रेडी करती हूँ, तवा वगैरह लगाती हूँ, तो शुरू करते हैं पराठा बनाना। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे बन गए हैं। ये आ गए हैं जी चिप्स, और यहाँ पे ये चिकन भी तकरीबन अब फ्राई हो ही गया। कितनी देर में निकालेंगे इसको, 2 मिनट में? नहीं अभी 5 मिनट और लगेंगे। 5 मिनट में इसको निकालते हैं और फिर असेंबल करना शुरू करेंगे शाहजी पराठे, बाकी चिप्स जो है वो इसमें डाल के। मेरा ऑर्डर आया वो पढ़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे इफ्तार खड़ा है, इसका भी ऑर्डर आया हुआ, ये पढ़ रहा है मोबाइल में कुछ गुस्सा वो वाला ऑर्डर आएगा। बेगम ने कहा था जनाब जरा डराना। ये देखें इसकी मैंने साइड चेंज की है, अभी इसमें ऑयल डालूंगी ठीक है, और फिर इसकी साइड चेंज करते हैं, पराठा बनाते हैं। जैसे बड़ा अच्छा सा ये क्रिस्पी पराठा जो है ये हमारा रेडी हो गया, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से बाकी पराठे भी रेडी होंगे और फिर हम पराठा रोज आपको दिखाएंगे जी। तो व्यूअर्स अभी फिलहाल मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया, वशा जी के भी चिकन निकलने वाला, और साथ में अफ्तारी भी हो गई है। ये ले अफ्तारी कर लें आप, मैं भी अफ्तारी कर लेती हूँ, नमीरा को भी नमीरा को बोला है कि वो भी अफ्तारी कर ले। आप करें, मैं और नमीरा भी जाके करते हैं जी। नमीरा और ये सियाम है बैठे हुए, चलें यहाँ पे मिनसा है। चलो जी नमीरा दुआ पढ़ाओ। अल्लाहुम्माइन्नी लाका सुम तो वाबिका आमन तो वालई का तवक्कल तो वाला रिज़्की का अफ्तार तू। और समोसे और पकौड़े वगैरह ला दूँ आपको या पराठा रोल खाएंगी? पानी दे दूँ आपको? चलें जी पानी वगैरह देते हैं बच्चों को, तो आपको भी दूँ। तो जैसे ही जो है वो फिर पराठा रोल हमारे बनते हैं तो वो देते हैं। और यहाँ पे ये फिज़ा सो रही है, स्कार्फ पहना हुआ, ऐसे ही सो गई, इसको नींद आई है। तो चलें आप किचन में चलते हैं और वहाँ के जाके आपको फिर सीन्स दिखाते हैं, पराठा रोल वगैरह बनाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये अगला पराठा जो है वो रेडी हो गया, 3-4 कम अज़ कम बन गए, बल्कि ज़्यादा ही बन गए होंगे। कितना कलरफुल सा आपको इसका टेक्स्चर लग रहा है। और ये बाकी के जो फ्राइज़ हैं वो भी डाल दिए हैं शाहजी ने। और इधर ये देखिए ये चिकन है हमारा, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये पराठों की असम्बलिंग जो है वो शुरू हो गई है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले केचप लगाई है सिंपल। क्या केचप की तरह लीक हो रही है? ये देखें जी ये माशाल्लाह से इस पर लगाया जा रहा है केचप। बच्चों के लिए ज़रा हम चिली सॉस भी डालेंगे, हम सिर्फ बड़ों के जो पराठा रोल होंगे ना उनमें चिली सॉस डालेंगे, बाकी पे केचप। ये तो आपने खे बना दिए इधर से उल्टी खे। अच्छा जी पहले दसना सी ना खे नहीं बनानी, मीम बना दियो। ये तो जी ये सारा लग गया इधर। मायोनीज भी डालेंगे? हाँ जी मायोनीज डालेंगे, बाद में डालेंगे, वो ऊपर डालेंगे। अच्छा, केचप सिर्फ पराठे के नीचे लगाया, अभी लगाएंगे टमाटर। टमाटर लग गया, अभी लगाएंगे गोभी, थोड़ी सारी गोभी, अभी लगाएंगे चिकन स्ट्रिप्स। ये आ गई हमारी चिकन स्ट्रिप्स, ये देखेंगे ये चिकन स्ट्रिप आ गई। इसमें डालेंगे अभी फ्राइज, 3-3 फ्राइज, 3 ऊपर 3। आज हमने कहा कि डिफरेंट स्टाइल का जो है ना पराठा रोल बनाया जाए। ये देखें ये हो गया, अब डालेंगे हम मेयोनीज।
ये आ गई जी मायनीज, आप हसबे तौफीक डाल सकते हैं या जितनी आपके बच्चों को या खुद को पसंद है उतनी। अभी इसको करेंगे फोल्ड, कभी नहीं करेंगे, अभी सर केचप डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कुछ केचप ऊपर क्यों नहीं थी, ये क्या करती हैं बेगल साहिबा? चलें आप केचप डालें, मैं ज़रा फ्राइज़ में चम्मच चला के आती हूं। मैं खुद चलाता हूं। चलें आए भी भाई, ठीक है भी? ठीक है, मुझे लगा जल ना जाए। नहीं जल रही। चलो ठीक है, हाँ आज चलती की हुई है, मुझे अंदाजा आया था। चलें आप जलने का कोई अंदाजा होगा बाद में। आ जाए, अब इसको करेंगे फोल्ड। ये है जी हमारा बटर पेपर, इसको करेंगे, ये पकड़ेंगे, इसको रखेंगे ऐसे और फिर ऐसे, इसको रखेंगे नीचे, कोने से लगाएंगे, इधर लगाओ, इधर लगा ले, अभी तो खा लेना, कौन सामने कहीं भेजना है। और इसको लगवाएंगे प्रतियां, है इसको गोल करूँ या इधर रखूँ? ऊपर ही थोड़ा रखें, अभी तो मैंने बच्चों को दे, नीचे से करेंगे ऐसे फोल्ड और बच्चों को अभी साथ ही पकड़ा देंगे। ये ऐसे किया ताकि भाग ना जाए, फिर ऐसे, हाँ पंचर ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इसको पाड़ते जाएंगे, कितना जबरदस्त हमारा ऐसे करके पाड़ेंगे, रोजा वो रेडी हो गया। ये देखिए इधर, ये देखिए जबरदस्त। पराठा रोल रेडी, और इसी तरह से अभी सारे पराठा रोल्स बनाते हैं। और शाह जी का पसीना देखें जरा, पसीना निकल आया ना जी, लग रहा सही कि गर्मियां शुरू हो गई हैं। गर्मियों में तो हमारी मत बज जाती है इधर, ये बहुत गर्म है किचन हमारा। अब ये इसी तरह सारे बनाते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, उन्होंने रोजा रखा हुआ था और उनको देते हैं फटाफट से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ इसके अलावा। बस 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 ना चेंज करो, तो जल्दी जल्दी से बाकी असेंबल करते हैं और बच्चों को देते हैं। ये देखें जी, फिज़ा खा रही है चिप्स और इनको मैंने दे दिए हैं ला के। मिनसा इधर देखो, ये क्या आया? ये पराठा लोल, पराठा लोल। और ये है जी नमीरा, इसने खाना शुरू कर दिया। नमीरा से रिव्यू लेते हैं, खोल के देती हूँ एक मिनट, नमीरा से रिव्यू ले लूँ ना। हाँ जी, आपका ला रहे हैं बाबा, बना रहे हैं बाबा, फिज़ा का जल्दी बनाएं मैंने बोला। इधर इतने में मिनसा से पूछ लेते हैं, फिजा आप बताओ कैसे बनने हैं आप चिप्स? बहुत मजे के बनी है, आपने केले के लिए खा ली है, मम्मा को पूछा ही नहीं है। अच्छा नमीरा चलो, बहुत मजेदार है, जैसे हमने उस दिन नहीं खाए थे किंग शोरमा के, उसी तरह, उसी तरह का बना है। चलें अभी हम अपना भी बनाते हैं और फिज़ा का भी बना के फिज़ा को भी ला के देते हैं। लो जी सजनों ते बेलियो, भैनों ते भराओ, बेगम साहिबा दी वारी आ गई जे, साथ साथ बन रहे हैं और साथ साथ हम खा रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत शदीद किस्म की। बिस्मिल्लाह, ये बेगम साहब का बाइटा चेक करें, ओए 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 ओए, इतना बड़ा बाइट, काला निवाला मुंह में जाते ही जो इसका टेस्ट आता है ना, एक पंचिंग से फील आती है। नीचे मैंने इधर इस जगह पे पहले चिली सॉस लगाई है और दूसरे पे मैंने केचप लगाई थी, इस पे चिली सॉस यूज कर रहा हूं। बहुत मजे का बना, बहुत मजे का बना, अभी मैं आराम से ये खाती हूं साथ में एक और बाइट। नहीं मेरे एक और पराठा ले, ये इधर से एक बाइट ले ना जरा, मुंह भी ले मेरा जरा थोड़ा सा, मैं तवे से पहले पराठा उतार लूं ना अपना, इधर से लूं। हां जबरदस्त सा बड़ा सा पराठा, ये देखें जी अब पता चलेगा बेगम का मुंह कितना बड़ा। मजा आया? दो पार्ट में, यो यो दो पार्ट में आधा रोल खत्म। ये देखो जी अब पराठा रोल की जरा लुक चेक करें जरा अंदर से शशके, ये देखें आप अपने लिए भी जल्दी जल्दी बनाएं इससे पहले कि आपके मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाए। नहीं नहीं मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ साथ साथ क्योंकि ताली होगी हमारी, तो हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। ये देखे ना मैंने समोसे को चक पा के इधर रखा हुआ जी, ये देखिए
और पसीना भी देखें साहब, मेहनत नजर आ रही है, मेहनती बंदा माशाल्लाह। चले आप आराम से खाएं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज का 13वां रोज़ा भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शाजी का पसीना भी बार बार मैं आपको दिखा रही थी कि आ गया कि गर्मियों में मज़ीद इस तरह से इससे भी बुरा हाल होता है इनका किचन में, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प करवा रहे होते हैं। मैं पूरा गीला हुआ था तो अभी इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करते रहना है। जब हम सब्सक्राइब बटन आप प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकेंगे, जो हम आपके लिए मेहनत करके और बड़ी जो है वो मेहनत के साथ आपके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं, फैमिली व्लॉग्स आपके लिए बनाते हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों कामयाबियां दे और अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में मजीद वसअत अता फरमाए। आप इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।